हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप जान पाए अच्छे तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए क्या होता है पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध आर कहते हैं। अतः किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी हो तथा चालक में धारा आई हो तो चालक का प्रतिरोध आर बराबर होता है बी अपान आई। ये होता है जहां आर का मात्रक ओम होता मतलब होगा होता है। ये हो गया विद्युत प्रतिरोधकता। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, रो बराबर होता है आर इंटू ए अपान एल, इतना होता है जहां रो का मात्रक होता है ओम मीटर। ये होता है। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोधकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।